दुनिया में तीसरा युद्ध दस्तक देने को है। लोग शायद भूल गए हों, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अब तक जारी। इजराइल और हमास के बीच भड़का युद्ध भी खात्मे से बहुत दूर है। इस बीच अब ईरान और पाकिस्तान में भी युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। ईरान ने पाकिस्तान में जैश अल अदल आतंकी गुट के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया। इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने भी पूर्वी ईरान के सरवन शहर में एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। पाकिस्तान के हमले का जवाब ईरान कब और कैसे देता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन यह तो साफ है कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद बिगड़ गए हैं। दोनों देश युद्ध की स्थिति में आ गए। इस बीच दुनिया के तमाम मुल्क ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध भड़कने को लेकर चिंतित। ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति पर चीन और तुर्की ने बड़ा बयान दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, आपने जिस घटना का जिक्र किया है मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन चीन इसे लेकर बहुत चिंतित है। चीन का मानना है कि देशों के बीच के संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूएन चार्टर के नियमों के हिसाब से बहाल होने चाहिए। किसी भी देश की संप्रभुता, अखंडता और क्षेत्रीय अस्मिता की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। ईरान और पाकिस्तान नजदीकी पड़ोसी हैं और दोनों के चीन से अच्छे संबंध हैं। चीन मानता है कि दोनों देश शांति से काम लेंगे और तनाव भड़काने वाले कार्यों से परहेज करेंगे। हम मानते हैं कि दोनों देशों को आपसी मतभेद बातचीत और समझदारी से सुलझाना चाहिए। वही तुर्की के विदेश मंत्री ने भी इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा, हमारे इलाके को और युद्ध और समस्याएं नहीं चाहिए। हम गाजा में युद्ध को लगातार भड़कते हुए देख रहे हैं। हमने लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और लाल सागर में लगातार संघर्ष देखा है। इन घटनाक्रमों के बीच दुर्भाग्य से हम पाकिस्तान और ईरान के बीच पिछले दो दिनों से तनाव को भड़कते देख रहे हैं। आज सुबह मैंने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है। दोनों ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और अपनी कार्रवाई के पीछे के कारण दिए। तुर्की का मानना है कि दोनों देशों को तनाव बढ़ाने वाले कृत्यों से परहेज करना चाहिए। दोनों मुल्कों को जल्द से जल्द शांति बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों देश स्थिति नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच जो भाईचारा कायम था वो आगे भी जारी रहेगा और अधिक तनाव नहीं भड़केगा। हम दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम करने के लिए जो हो सकेगा करेंगे। बता दें कि ईरान के अटैक के बाद पाकिस्तान के शहरों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान और ईरान के बीच स्थितियां और बिगड़ती हैं या चीजें वक्त रहते संभल जाएंगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।